जबलपुर में पुलिस और माइनिंग विभाग द्वारा ट्रक चालक व मालिकों के खिलाफ रॉयल्टी को लेकर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ट्रक चालक एवं मालिकों के खिलाफ झूठे प्रकरण भी दर्ज किए जाते हैं, जिससे ट्रक मालिक परेशान है। इसी को लेकर मां नर्मदा लोकल ट्रक यूनियन द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर SP को एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि माइनिंग विभाग उन्हें रास्ते में रोककर उनसे रॉयल्टी चेक करता है। यदि किसी कारणवश रॉयल्टी 1 घंटे लेट हो जाती है तो उसे कार्रवाई के नाम पर वसूली की जाती है और नहीं देने पर उनके ऊपर मामले दर्ज किए जाते हैं। लोकल ट्रक एसोसिएशन की ओर से SP साहब के ज्ञापन देने आए हैं, कलेक्टर साहब के भी ज्ञापन दिया है, माइनिंग विभाग मध्य प्रदेश भोपाल भी ज्ञापन भेजा गया है। क्योंकि लोकल ट्रक एसोसिएशन वाले ना तो चोरी करना चाहते हैं ना वो चोरी करते हैं, रॉयल्टी कटाते हैं, कभी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, कभी पार्टी का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, उसमें रॉयल्टी अगर 1-2 घंटे लेट हो जाती है तो पुलिस गाड़ी पकड़ कर ड्राइवर और मोटर मालिक पर 379 बनाती है। क्योंकि 379 बनने के बाद ना तो कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है और ना मोटर मालिक गाड़ी चलाने योग्य बचा है। प्रशासन से यही निवेदन हम लोग करते हैं कि मोटर मालिकों की मदद करें और एक नाका लगाया जाए जिसमें रॉयल्टी उपलब्ध हो।